कोडरमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कोडरमा थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। 7 अक्टूबर 2021 सुबह 11 बजे पुलिस अधीक्षक कोडरमा कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के डेंगरा पहाड़ी के दक्षिणी भाग में पत्थर व झाड़ी के बीच कुछ विस्फोटक पदार्थ छुपाकर रखा गया है। सूचना के आधार पर जांच टीम बनाकर कोडरमा थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर के साथ एएसआई दिनेश मुर्मू व सशक्त बल डेंगरा पहाड़ी पहुंचकर दो पत्थर के बीच छुपा कर रखे हुए 9 बोरा विस्फोटक, जिसमें 5 बोरे में 105 पीस पावर ज्वेल तथा 4 बोरा में 380 पीस गुल्ला बरामद कर जब्त किया गया। कोडरमा थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर ईश्वर लिखित बयान के आधार पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध कोडरमा थाना में कांड संख्या 180/2021 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम धारा 4/5 दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोडरमा थाना में डंगरा पहाड़ है, जहां पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ विस्फोटक को छुपा के रखा गया है। इसमें एक जांच दल का गठन करके जांच की गई, जिसमें वहां से विस्फोटक बरामद किया गया डंगरा पहाड़ से, जो कि कुल मात्रा 805 पीस जेल है और 380 पीस गुल्ला है। वहां से बरामदगी कर जब्त करके विधिवत आगे कार्रवाई की जा रही है। किस क्षेत्र में काम लेने का उद्देश्य था सर इस विस्फोटक को रखकर? इस संबंध में अभी जांच की जा रही है, हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं कि यह विस्फोटक किसके द्वारा रखा गया और किस प्रयोजन है। कुछ गिरफ्तारियां सर इस मामले में? नहीं, अभी तक नहीं। किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं है सर। आनाइन भारत के लिए मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। उपायुक्त सिमडेगा श्री सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य प्रबंधन समिति एवं लक्ष्य कायाकल्प की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि अब कोविड-19 से संबंधित मेगा जांच सभी स्कूलों में कराएं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से बैठक कर स्कूलों में व्यापक स्तर पर कोविड-19 मेगा जांच कराएं। उन्होंने पांडाल समिति के सदस्यों से बैठक कर पांडाल समिति के सभी सदस्यों का टीकाकरण हुआ है या नहीं इसकी जांच करते हुए 100% पांडाल समिति के सदस्यों को कोविड-19 का टीका दिलाने का निर्देश दिया। जिले के सभी सखी मंडल JSLPS नेहरू युवा केंद्र जलशैया PDS डीलर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका एवं प्रवेक्षिका से बैठक कर सुदूरवर्ती गांव के अंतिम घर तक सूचना पहुंचाते हुए टीकाकरण में तेजी कराने का निर्देश दिया। प्रखंड के सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों का लगातार निरीक्षण करें, कौन सी मेडिसिन की उपलब्धता में कमी है इसकी जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया, जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुदृढ़ता बनी रहे। उन्होंने कहा कि समय सबके लिए कीमती होता है, अपने स्वास्थ्य विभाग में समय से पहुंचे जिससे कि लोगों का इलाज समय से किया जा सके ताकि आम जनों को परेशानी उठाना ना पड़े। प्रतिदिन सभी स्वास्थ्य विभाग का डाटा एंट्री करने एवं दवाई की हेराफेरी ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य को व्यापक रूप से अनुपालन कराए एवं हॉस्पिटल में बिजली की समस्या ना हो इससे ध्यान में रखे। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर PK सिन्हा एवं जिला स्वास्थ्य प्रबंधन समिति के कर्मचारी उपस्थित थे। सिविल सर्जन डॉक्टर PK सिन्हा द्वारा अपने सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देवकमल हॉस्पिटल रांची के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा से मुलाकात कराया। उन्होंने जानकारी दी कि 21 अक्टूबर को जिला सदर अस्पताल में शिविर के माध्यम से एसिड अटैक, जन्म से कोट कटे, हाथी पांव एवं आग से जले पीड़ितों का प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले मरीजों का जांच एवं स्कैनिंग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज किया जाएगा। जिन पीड़ितों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है परंतु उसके पास राशन कार्ड है, उनका आयुष्मान कार्ड भी बनाने का कैंप लगाया जा रहा है। जिस पीड़ित व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड नहीं है उनका इलाज आयुष्मान कार्ड के दर पर ही किया जाएगा। स्कैनिंग एवं जाँच के बाद व्यक्ति का ऑपरेशन के लिए रांची के देवकमल हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। 2 महीने बाद इलाजरत व्यक्ति का कैंप लगाकर उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। उपायुक्त श्री सुशांत गौरव ने आम जनों से अपील के माध्यम से कहा कि जिनके संज्ञान में इस तरीके के पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हें 21 अक्टूबर को सदर अस्पताल में अवश्य भेजें। यह कैंप 7 वर्ष बाद सिमडेगा में लग रहा है, इसका लाभ उठाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर PK सिन्हा, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा, समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती रेणु बाला, स्वास्थ्य फेलो मीनाक्षी होरो एवं मीडियागण उपस्थित थे। और 21 अक्टूबर का डेट फाइनलाइज हुआ है। हम देवकमल हॉस्पिटल से हैं, जिनका प्राइमरी एम है टू डू गुड वर्क इन प्लास्टिक सर्जरी। हम लोग उस दिन यहाँ पे कैंप लगाएंगे, जितने पेशेंट हमारे होंगे हम उनको देखेंगे। जो आयुष्मान के होंगे उनका इलाज बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, हमें जिला ने आश्वासन दिया कि हम उनका बना देंगे। जो नहीं भी बनेगा गलती से तो आयुष्मान के ही रेट पे उनको खर्च करना पड़ेगा, जो कि बहुत कम है। और सबका इलाज रांची में देवकमल अस्पताल में हम लोग करेंगे।
इलाज के पश्चात हम फिर 2 महीने के बाद यहाँ कैंप लगाएंगे, जहाँ वही पेशेंट जिनकी सर्जरी हुई है आपके समक्ष रखेंगे, ताकि आपको भी पता चले यहाँ इलाज प्रॉपर तरीके से हुआ है। आनलाइन भारत के लिए बसंत कुमार कश्यप की रिपोर्ट।